أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لما راهما قومهما هم سيارين يا سوف تاري آسما بسواني دي بيوغنان بيوغان يودها سمد هوران منو وشتام دينما اتقام بيهما अज्ञा हेतु किरत मोह मदांधिकारं न संविधाय हे तदुदयते विवेक जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी गंद सी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ जिन्होंने हम बनी हुए इंसान को अशरफुल मखलूकात करके पैदा फरमाया और कुरान और हदीस सीखने और सिखाने के लिए अशद तकलीफ उठाकर शबनम के टपकते हुए इन मुसीबतों को इन तकलीफों को बर्दाश्त करके आज हम और आप दीनी मजलिस में इकट्ठा हुए हैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। इंशाअल्लाह तकरीर आज मुख्तलिफ अहवाल से करेंगे। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और एक हदीस पढ़ी। कुरान की आयत यह है कि या अय्युहन नास तक़ू बाद में दुआ करते हैं तो दुआ करते हैं नहीं इंशाअल्लाह बाद में करते हैं। तो या अल्लाह ताला इंसानों से कह रहा है या अय्युहन नास तक़ू ऐ इंसानो ऐ दुनिया के मानव जाति। यहाँ किसी मुसलमान को मुखातब नहीं किया और ना ही अल्लाह ताला मोमिनों से खिताब किया बल्कि क्या कहा या अय्युहन नास ऐ लोगों इत्तकू डरो रब्बकुम अपने रब से इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शय्युन अज़ीम यकीनन अल्लाह ताला लोगों से ऐलान करता है कि कयामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा खतरनाक है। अल्लाह ताला इस आयत में इंसान को अपने रब से यानी अल्लाह ताला से डरने की तलकीन करता है कि हम और आप अल्लाह ताला से कितना डरते हैं। हमारा और आमाल अल्लाह ताला से किन अहकामात पर हमारा आमाल हो रहा है तो पॉइंट पॉइंट की चीजें रखूंगा। मसलन आज 10 तारीख है, 10 जनवरी है, इनसे पहले 10 दिन पहले एक तारीख जिसमें हम मुसलमानों ने भी जश्न मनाए और हैप्पी न्यू ईयर ये लोगों को मुबारकबाद पेश किए। मेरे भाइयों मुसलमान होकर ये अकीदा अगर आपके अंदर है और आपने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो आप इस बात को समझ चाहिए मन तशब्बा बि कौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान किसी गैर मजहब के कानून को इख्तियार करता है, गैर मजहब के बुनियाद पर चलता है, गैर मजहब के रस्म और रिवाज को अपनाता है तो कयामत के दिन हश्र असर कयामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा जो भी किसी दूसरे कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके अंदर भी ये चीजें हैं इंशाअल्लाह आने वाले 2023 में ये चीज हमसे खत्म हो जाएंगे और ये बातिल अकीदा हमसे उठ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ लोगों मुखालिफुल यहूद यहूद की मुखालिफत करो यहूदियों की मुखालिफत करो। यहूद अगर अपनी बीवी से हैज के मौके
पना हालत अयाम में हज के अयाम में अपनी बीवी से दूर रहता है, कोसों दूर रहता है, अपनी बीवी का बिस्तर अलग कर देता है, अपनी बीवी से बिल्कुल ही करीब नहीं आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों सुनो, इस्लाम कुल्ला शैइन इल्ला निकाह। हां, जब तुम्हारी बीवी हाइज हो, जब तुम्हारी बीवी को हाइज आए, हाइज ना हो जाए, माहवारी आए, तो सिर्फ जिमा के अलावा, सिर्फ हम बिस्तरी के अलावा सारी चीजें करने की तुम्हें इजाजत दी जा रही है। अगर यह अपने बीवियों को घर से अलग रखते हैं, दूर रखते हैं, तो तुम उनकी मुखालिफत करो। हाँ, तुम अपने बीवी के साथ जरूर सो, तुम उनके साथ बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इल्ला इल्ला निकाह यानी जिमा के अलावा, हम बिस्तरी के अलावा सारी चीजें कर सकते हो। वो खालिफुल यहूद, यहूद की मुखालिफत करो। वो यहूदी जो रोजा रखते वक्त सहरी खाया नहीं करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, जब तुम रमजान के रोजे रखो या कोई भी रोजा रखो, तो तुम सहरी खा लिया करो, इसलिए कि तसहरु फैना बिसहूर बरका। जब तुम सहरी खाओगे तो उस सहरी में अल्लाह की कसम बरकत रखी हुई है, इसलिए तुम उस सहरी को खाओ। यहूदियों के मुखालिफत करो, लेकिन हम और आप यहूदियों के कैलेंडर अपना रहे हैं, ईसाइयों के कैलेंडर अपना रहे हैं। वो ईसाई जो 1 जनवरी को अपना हैप्पी न्यू ईयर और लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं, आज मुसलमान भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जंगलों में जाकर पिकनिक मनाते हैं, भोज करते हैं, दावत चलाते हैं। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा तो पहला साल, नया साल मुहर्रम हराम की पहली तारीख से शुरू होता है, लेकिन हाँ सुनो, फिर भी अल्लाह के नबी इजाजत नहीं दे रहे हैं, अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को ये हुक्म नहीं दे रहे हैं। और सुनो, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया में खलीफा रहे, उन्होंने दो साल खिलाफत किए, लेकिन आपने कभी निवर नहीं मनाए, आपने कभी लोगों को नए साल की मुबारकबादी पेश नहीं किए। उसके इंतकाल के बाद उमर फारूक खलीफा बने, लेकिन अपने 10 साल जिंदगी में किसी को हुक्म नहीं दिया। उस्मान खलीफा बने, लेकिन अपने 12 साल जिंदगी में कभी हैप्पी निवर नहीं मनाए, कभी नया साल नहीं मनाए, कभी पिकनिक नहीं मनाए। मेरे सहाबा को थे और ताबीउ ताबीन को थे जो नबी के हर वो अमाल को देख कर किया करते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लेकिन हम और आप आजकल कैसे हैं, जो अच्छी चीजें उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो गैर बातिलाना अकीदा है उसको हम और आप इख्तियार करते हैं। आइए मैं आपको अबू दाऊद का एक मंजर दिखा रहा हूं, अबू दाऊद किताब में एक मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अस्हाबे किराम को, सहाबे किराम को नमाज पढ़ा रहे हैं, और इतने में क्या हुआ, नमाज के दौरान आपने अपनी जूती उतार दी। जब सारे सहाबा देखे कि अल्लाह के नबी अपनी जूती उतार दिए, तो सारे सहाबा ने जूती उतार के एक साइड रख दी। जब नबी ने फकादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातहु, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी की, सलाम फिरा, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, जैसे नमाज खत्म हुई, आपने अपने सहाबियों को देखा कि जूती उतार कर साइड में कंधे में रख दिए गए हैं, आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, मा हमलकुम अला इल्काई नियालिकुम, हां सुनो, ओ मेरे सहाबियों, तुम्हें जूती उतारने के लिए किस चीज ने उभारा है, तुमने जूती उतारने के लिए तुम्हें कौन सी चीज आमादा किए हैं, तुम्हें किसने बताया कि तुम किसके कहने पर जूती उतार दिए। सहाबा का जवाब सुनो, कालू रायना, आए अल्लाह के नबी, हमने आपको जूती उतारते हुए देखा, और लिहाजा जो हमारा इमाम काम करता है, मुक्तदी भी उसी की पैरवी करता है, उसी के पीछे चलता है। जब इमाम अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधता है, हाथ बांधता है सीने में, फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाते हैं, मुक्तदी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अरे अल्लाह के नबी, हमने आपको देखा कि आप जूती उतार दिए, तो हम सबने भी जूती उतार दिए। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, इन्ना जिब्रील फाता लिफाखबरनी, जिब्रील मेरे पास आए और आप जिब्रील ने आकर मुझे ये खबर दी, मुझे आकर ये बताए, गए मैं
मेरे नबी ऐ हबीब ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जूती में गंदगी लगी हुई है, आपकी जूती प्रगंदा है, आपकी जूती खराब है, आपकी जूती नापाक है, इसलिए मैंने उस जूती को उतार के रख दी है। लेकिन हाँ सुनो सहाबाए किराम सुनो, मैंने जूती इसलिए उतारी कि उस जूती में गंदगी थी। सहाबा ने कहा आपको उतारते हो देखा तो हम भी उतार दिए। मेरे भाइयों आप गौर कर सकते हैं इस मंजर से कि सहाबा